मिनट एक मिनट, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक मिनट। क्लासेस के साथ ग्रुप वन का टाइम टेबल सीएस एग्जीक्यूटिव कैसे होगा? अजम्पशन क्या है मेरा, आपकी क्लासेस कब से कब है? सुबह 9:32, शाम को 5:15 मान लो, ये आपकी क्लास का टाइमिंग है, ये मेरा अजम्पशन है। ठीक है, इधर देखो, 6:30 तक चाय वाय पी के फ्रेश फ्रेश होके आप पढ़ाई करने बैठ सकते हैं। 6:30 to 8 आप लोग खाना खरीदते हैं, 8 बजे खाते होंगे, 8 बजे घर से निकल जाते हो खाना खाने। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम्हारा क्या हाल है? ये टाइप ही करते हैं। ठीक है, ये हो गई 1.5 घंटे की पहले सेटिंग। ठीक है, खाना खा के यू हैव टू गेट फ्री बाय, मम्मी पापा से बात कर लो, जो भी कर लो। 9 बजे से लेके 11:30 तक आपकी क्या होगी सेटिंग। ठीक है, देन 12 बजे तक सो जाओ, 11:30 को सीधे बुक बंद करो, 5-10 मिनट बातें करो दोस्त यार जो भी करनी है, 12 बजे स्लीप, गेट अप बाय 6:30, आई थिंक 6:30 वुड बी सफिशियंट। 6:30 बजे, 6.5 घंटे का नींद सफिशियंट है, क्योंकि सोने का ट्राई आपको 11:30 से ही करना है, और सो जाओगे, वो दिन भर इतनी मारा मारी होती ना, बेड पे गिरोगे और नींद आएगा अगर कुछ उल्टा सीधा काम ना किया तो। ठीक है, कितने बजे उठते हो? 6:30, 7 to 8:30, 6:30 से 7 मुंह धो लो, खाना खा लो। यस और नो बच्चों, तो सारे काम अपने निपटा लो। कितने बजे तक बच्चों, कब तक? 7:30 बजे तक सब कुछ निपटा लो, और 8:30, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का टाइम है, यहाँ पे भी क्या कर लो। तो टोटल कितने घंटे होते हैं बच्चों, अगर अपन देखें, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1.5, तो अगर बच्चों 4.5 घंटे, और मैं बोल रहा हूँ 4.5 घंटे में भी छोड़ दो, 4 घंटे इफ यू आर एबल टू स्टडी इट्स मोर देन इनफ। अब 4.5 घंटे को आप डिवाइड कैसे करोगे सब्जेक्ट्स में? ठीक है, एक मिनट, 1 घंटा 15 मिनट कंपनी का, 1 घंटा 15 मिनट सीएफएमई हो गया आपका, 2.5 घंटा, 45 मिनट्स बचता है, 45 मिनट्स एसबीआईएल, हाँ कितना हो गया? नहीं, अपने पास कितना बच गया अभी? ये 2.5 हो गए, और ये कितना हो गया? 1.5, 2.5 और 1.5 कितना हो गया? 4 ही हो गया ना। नहीं, कुछ टाइम, एक मिनट रुको, 6:30 से 8, मतलब मैं आपको क्या बोलूं, ये 1 घंटा 15 मिनट हो गया, गड़बड़ कहां पे हो गया? अच्छा, 9 to 11:30 है, सॉरी यार, फिर तो अपन अच्छे से कर सकते हैं, एक मिनट। तो ये 1.5 घंटा आप कंपनी लो ले लो, ठीक है, ये आपका फ्री हो गया। यहां पे आप ले लो CA FM हो गया आपका 1.5 आवर्स, और बच गया आपके पास 1 घंटा और बच गया ना, तो 1 आवर ले लो आप SBIL। ठीक है, जो मैम आपको लिखने वाले को वगैरह देती वो कर लो। अब आपके पास कितना बच गया सवेरे, आपके पास 1.5 घंटा बच गया, इसमें 1 आवर आप किसको दे दो, और बाकी का 30 मिनट जो बचता है इसमें वापस से आप क्या कर लो, SBIL जो भी आपका पढ़ने वगैरह का पार्ट है वो कर लो। तो टोटल आपने लगभग सबसे कम टाइम मैंने GIGL को रखवाया है, बट इसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया? क्या टेस्ट? देखो, अब टेस्ट जो बीच में, जैसे कल अपना कंपनी लॉ का टेस्ट है, अब इसमें आप एक चीज याद रखो, देखो अगर आपने रेगुलरली चीजों को आप कवर करते गए
तो टेस्ट के लिए आपको ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास संडे होता है। सैटरडे को मैं आपको लगभग 4 बजे 3 बजे तक आप सैटरडे को फ्री हो जाते हो, सॉरी 3:30 तक आप क्या हो जाते हो, सैटरडे को फ्री हो जाते हो, ठीक है। तो सैटरडे को यू हैव दैट एक्स्ट्रा टाइम, सैटरडे को यू हैव दैट, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। संडे को यू गेट एक्स्ट्रा टाइम, तो उस टाइम में आप क्या करो, आप अपने आपको वीक में पता चल गया कि भाई ये टेस्ट है, कंपनी लॉ में ज़्यादा पोर्शन है, एफएम में ज़्यादा पोर्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, एसबीआईएल में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, आप उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। देखो यार एक ही चीज़ याद रखो, अगर आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ा ना बच्चों, मैं बोल रहा हूँ 4.5 घंटे, मैं बोल रहा हूँ आप 4 ही घंटा, आपने अगर ऐसा भी कर लिया ना, 1 घंटे 15 मिनट कंपनी लॉ, 1 घंटे 15 मिनट सीएफएम, 45 मिनट जेआईजीएल, 45 मिनट एसबीएल, मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट केस में अगर आपने ये भी कर लिया ना, बस कंसिस्टेंसी करो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आई वुड एक्सपेक्ट ओनली वन क्वालिटी आउट ऑफ यू, कंसिस्टेंसी, बस आराम से क्रैक कर लोगे यार। बट 90% ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चों, दे लाइक कंसिस्टेंसी, वो एक दिन पढ़ लिया, वो एक दिन सुबह उठ गया साढ़े, और देखो 6:30 बजे का टाइम है यार, आराम से उठ सकते हो, रात को थोड़ा लंबा कर दिया, वी कैन चेंज द शेड्यूल बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक अपना सिलेबस काफी कुछ कवर हो जाएगा। तो अगले महीने अपन ऐसा नहीं करेंगे, अगले महीने एक दिन में अपन सिर्फ एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट लेंगे, तो अभी 1 महीने तक आप क्या करो, हाँ, और जब आप पढ़ते हो, जैसे आप कंपनी लॉ आज पढ़ रहे हो 1.5 घंटे, तो आपको हो सकता है जो मैंने क्लास में पढ़ा है वो हो सकता है आप 45 मिनट्स में पढ़ लो, तो आप क्या करो, 45 मिनट्स आप कुछ पुराना देख सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस घर पे करने की जरूरत नहीं है, वो मैं पूरी करवाऊंगा, ठीक है, दैट आई विल डू फ्रॉम माई साइड। आपको घर पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड करो यार, चीजों को समझो। जेआईजीएल में राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं है, जस्ट क्या करना है, अच्छा, और जेआईजीएल में आप ना एक कंसेप्ट को 2 बार रीड कीजिएगा, कंपनी लॉ में एक कंसेप्ट को 1 बार पढ़ा तो भी चलता है, बट जेआईजीएल में आपको एक कंसेप्ट कितनी बार पढ़ना है, क्योंकि जेआईजीएल में ना कंटेंट काफी ज्यादा होता है और अलग अलग होता है, 45 सेक्शन में कुछ लिखा है, 46 में कुछ और लिखा है, तो कई बार ना वो जेआईजीएल की चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है। आई होप यू विल फॉलो इट इफ यू रियल